मैंने और शम्स ने खुद देखा था। पुराने घर के बाहर अभी तक ताला पड़ा हुआ है। उस घर के गिर्द शम्स का हसार अभी तक कायम है तो फिर नजमा सालिया की मौजूदगी को महसूस कैसे कर सकती है? नए सामान की जगह पुराने सामान का नजर आना क्या मतलब है इस बात का? कैसे लौट सकती है सालिया? कोई तो गैबी वजूद है जो किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है और किसी को बर्बाद कर रहा है। किसका साया है ये जो एक वक्त में बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है? कैसी हो रिशी? कुछ परेशान हो? मुझे कुछ उलझे उलझे लग रहे हो, क्या बात है? परेशान? परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज है अरीशा। मेरी तो जैसे सांस अटकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ पिंकी की फिक्र है तो दूसरी तरफ गुड़िया की। कैसे अपनी बेटियों को इस भंवर में से निकालूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ हूं कि सिदरा के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, और फिर ऊपर से ये पुरसरार वाकयात। राशिद काम डाउन, मैं कह रही हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तो शम्स के साथ तलाल भी कोशिशें कर रहा है। एनीवे राशिद, मैंने तुमसे एक्चुअली पिंकी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। देखो, मैं चाहती हूँ कि जब तुम पिंकी के ससुराल जाओ तो उन्हें इस बात के लिए मनाओ कि वो पिंकी को तुम्हारे साथ भेज दें। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। ये सब क्या हो गया रिशा? मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे गलत फैसले कैसे कर सकता हूँ? राशिद, देखो तुम एक बहुत अच्छे बाप हो, एंड यू आर ब्रेव। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। ये तो सब किस्मत के खेल है। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे तुम पिंकी के ससुराल कब जाओगे? एक दो रोज में जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।